तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आर्टिफिशियल ग्रास का। जो आर्टिफिशियल ग्रास आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग डोरमेट के लिए भी और आर्टिफिशियल गार्डन बनाने के लिए भी, तो इसके लिए आज रिव्यू करने वाले हैं हम इस आर्टिफिशियल ग्रास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी लेंथ रोल की दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले इसकी लेंथ स्टार्टिंग में जो इसका रोल आता है, तो ये रोल के हिसाब से इसकी लेंथ होती है। ये दो रोल है मेरे पास, ये देखिए। पहले सबसे पहले इसके रोल की मैं इसको आपको खोल के भी दिखाता हूँ। तो ये रोल मैंने खोल ली है और मैं आपको इसको पूरा रोल खोल के दिखाता हूँ। ये तो मैं पूरा रोल अभी दूसरा रोल खोलने वाला हूँ। तो मैंने रोल पूरे खोल लिए हैं। देखो ये दो रोल थे इसमें, तो मैंने दोनों ऊपर कर लिए हैं। ये आर्टिफिशियल ग्रास। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो इसकी लेंथ जो है वो होगी आपकी अप्रॉक्स, जो रोल है इनकी अप्रॉक्स 3 मीटर की लेंथ है इनकी। और ये मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के आते हैं, तो जिस लेंथ का आपको रोल चाहिए उस लेंथ का ले सकते हो आप। ये रोल एक साइज़ के हिसाब से भी आते हैं, कुछ क्वालिटी के हिसाब से भी आते हैं, और कुछ इसकी जो ये फिनिशिंग है इसके हिसाब से भी आते हैं। तो जिस हिसाब से आप लेना चाहो वो रोल के हिसाब से मिल जाएंगे और साइज़ के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो ये जो मैट है, ये देखो, ये जो मेरे पास मैट है, ये मैंने जो लिया वो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी आती है इसमें वो क्वालिटी ली है इसमें। जो ये इसका बहुत हार्ड मटेरियल है, इसमें दो तीन क्वालिटी और आती है। क्वालिटी से हल्की आती है, कुछ से थोड़ी और हल्की आती है। उसमें क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, उसमें जो ये आर्ट ग्रास है ये थोड़ी सी और ज़्यादा लाइट मिलेगी और ज़्यादा लाइट वेट की भी होगी। उसके बाद जो इस आर्टिफिशियल ग्रास में आपको मिलेगी एक चीज़ एक्स्ट्रा, वो है ये चीज़ बताते नहीं है पर मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी हर आर्टिफिशियल ग्रास के रोल में, क्योंकि ये जब वो ग्रास इसमें इंस्टॉल करी जाती है तो उसे इससे मैट से बनाए रखने के लिए ये एक्स्ट्रा लगती है लेंथ जो रोल को कट करे जाते हैं उससे। उसके बाद एरिया कितना कवर कर सकती है, तो ये दो मैट हैं आपकी तीन मीटर की दोनों लेंथ की। और मैं आपको अलग करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप कंबाइन करके रखना चाहें, बैल्कनी के लिए यूज़ करना चाहें या टेरेस के लिए यूज़ करना चाहें या घर के लिए या डोर मैट के लिए, आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और ये इजीली कट भी हो सकते हैं, तो इन्हें काटने के लिए जो बड़ी वाली सीजर आती है उससे आप इन्हें काट भी सकते हैं, डोर मैट बना सकते हैं या फिर आप बैल्कनी के लिए या टेरेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो इसका ये है वॉशेबल, तो इसमें आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये होल्स इसीलिए हैं क्योंकि ये वॉशेबल है, इसे आप इजीली जब ये गंदी हो जाए इजीली वॉश कर सकते हैं और सीधा सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा इसके अंदर से। तो उसके बाद बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसके प्राइस जो मैं बता देता हूँ, जो उसमें लेंथ है, लेंथ तो अप्रॉक्स इतनी लेंथ मिलेगी आपको इस रोल के अंदर, इस क्वालिटी के अंदर भी। तो इसके बाद जो प्राइस है इसके, जो दो मैट्स हैं, दो आर्टिफिशियल ग्रास की जो मैट है, इनकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी अप्रॉक्स 2500 की, 2500 की। और जैसे जैसे इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती जाएगी इनकी, वैसे वैसे इनके प्राइसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। और वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने स्क्वायर फीट का, कितने मीटर का एरिया चाहिए। वो आप जहाँ भी से भी परचेस करेंगे आप वहाँ पर वो आप मेजर करके बता सकते हैं, उस हिसाब से रोल के प्राइस भी बढ़ते चले जाएंगे और क्वालिटी के हिसाब से। पर जो बेस्ट क्वालिटी होगी वो यही होगी जो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी है, उसके नीचे जो क्वालिटी है वो जो ग्रास है वो इजीली धूप जब पड़ती है इस पर बहुत तेज, तो उसमें इजीली वो निकलना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो इसलिए जो क्वालिटी, अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी यही वाली है। और रोल इसके मैं बता देता हूँ आप, जितनी इसमें विड्थ बढ़ती जाएगी, अप्रॉक्स जितनी विड्थ बढ़ती जाएगी उतने इसके प्राइस बढ़ते जाएंगे। कुछ जो प्राइस होते हैं वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी होते हैं, कुछ रोल की लेंथ के हिसाब से भी होते हैं, कुछ पर रोल के भी प्राइस होते हैं। तो आपके नियरेस्ट पास जो एरिया जहाँ पर भी डोरमेट हो या फिर ये आर्टिफिशियल ग्रास हो वहाँ पर आप वो कर सकते हैं इससे। पर जो तीन चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, वो सबसे पहली चीज़ है वॉशेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी क्वालिटी और इसकी हार्डनेस जो है वो ज़रूर ध्यान रखनी है आपको परचेस करते टाइम। और जो इसकी पर रोल की लेंथ है वो आपके एरिया के हिसाब से आप अपने आप कर सकते हो।